हाँ तो प्यारी सी जनता, जिस सीरीज का हमें बहुत ज्यादा टाइम से इंतजार था, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद थी, यानी कि द बॉयज का सीजन 4 आखिरकार वो अमेज़न के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। अभी फिलहाल इसके स्टार्टिंग में तो 3 एपिसोड आए थे, फिर एक और एपिसोड यानी कि 4th एपिसोड भी आ चुका है। मैंने चारों एपिसोड देख लिए, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली चार ही देखे, उन्हीं के बारे में ही चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले सीजन नहीं देखे, यानी कि फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन इसके नहीं देखे हैं, तो मेरी प्यारी सी जनता जाकर वो देख लेना, क्योंकि अगर आप इसके 4th सीजन पर देखने जाएंगे इसको, तो आपका टाइम खराब ही होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ये चल क्या रहा है, ये पावर कैसे आई हुई है, क्योंकि सारी की जो कहानी है वो पहले के तीनों सीजन में बताई गई है। द बॉयज टीम क्या है, इसके जो करेक्टर है उनका जो डेवलपमेंट, मतलब कि उन करेक्टर के बारे में अच्छे से उन तीनों सीजन में दिखाया गया। फिलहाल अभी भी उनका दिखाने चल रहा है, मतलब उनके बारे में दिखाते हुए चल रहे, क्या बोल रहा हूं यार। तो एक बार फिर से द बॉयज की टीम वोट से लड़ने के लिए आ गई है। वोट की असलियत जो है वो लोगों के सामने अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, तो वो उनके बारे में, मतलब कि वोट की असलियत क्या है, वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, उनकी असलियत लाने के लिए जो द बॉयज की जो टीम है वो फिर से लड़ाई लड़ रही है। और साथ ही साथ एक कंपाउंड भी, जो एक मतलब किसी ने बचपन में, यानी कि जब वो पैदा हुआ था, जैसे कि आपको पिछले सीजन में दिखाया गया कि भाई साहब उसके पास वो पावर है कि वो किसी की आंखों में देखकर उसका दिमाग या उसका सर फोड़ देती है। अब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी हो चुकी है, उसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है कि भाई साहब वो कंपाउंड भी ली हुई है, वो एक सूप है, यानी एक सुपर हीरो या जो भी है विलन है, उसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है, द बॉयज की टीम को और कुछ लोगों को। और उसकी सच्चाई अब लोगों के सामने कैसे लानी है, द बॉयज की टीम इसी के बारे में हमें देखने, मतलब इसी के बारे में वो लड़ाई करती हुई दिख रही है। उधर बूचर जो है वो रायन को वापस लाना चाह रहा है होमलैंडर से, और प्यारा होमलैंडर भाई साहब अभी भी वो प्यार के लिए बस तरस ही रहा है, उसको कोई प्यार कर ही नहीं रहा है, उसकी बेचारे की वही हालत है, अपने आप से लड़ी रहा है बस। और सीरीज में फिर वही, एक बार फिर से हमें सब चीजें देखने को मिल रही है, वही एक्सट्रीम लेवल का वॉयलेंस, वही न्यूडिटी हमें देखने को मिल रही है, वही गाली गलौज हमें देखने को मिल रहा है, जो इसकी सीरीज की मेन जान मैं कह सकता हूँ। बाकी जो इसके 3 एपिसोड स्टार्टिंग में आए थे, वो देखो यार इतने कुछ खास मुझे पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वो एक एवरेज चीज हमें देखने को मिल रही थी। वही यार अब स्टार्टिंग में देखो यार 3 एपिसोड में तो यही नहीं पता चल रहा था यार ये कहानी कहां पे लेके जा रहे हैं। 4th एपिसोड जब आया था वो थोड़ा मुझे ठीक लगा, उसके अंदर थोड़ी कहानी थोड़ी आगे बढ़ती हुई लगी, लेकिन 3 एपिसोड की अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के 3 एपिसोड की, तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग रहे हैं, बहुत एवरेज से भी नीचे रहे हैं। उनके अंदर कुछ भी चीजें पता नहीं चल रही थी कि यार आखिर ये स्टोरी को कहां ले जाना चाह रहे हैं, इनका यहां पर मकसद क्या है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 4th एपिसोड आ गया तो उसने एक अलग ही लेवल दे दिया है कहानी को, नहीं, उसमें थोड़ी बहुत, मतलब मामूली सी थोड़ी कहानी हमें अच्छी लगी है। बाकी देखो यार इसके अभी 4 एपिसोड और पड़े हैं, कहा जा रहा है कि 4th सीजन के अंदर 8 एपिसोड होने वाले हैं, तो 4 एपिसोड के अंदर देखो कहानी कहां जाती है। लेकिन अभी तक चारों एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो हाँ कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं, 4th एपिसोड थोड़ा ठीक गया है, 3 एपिसोड तो यार बहुत ज्यादा एक लो गए हैं। एक और चीज जो इसके अंदर ऐड की गई है, ऐड तो क्या कहूं यार, जो आपने पहले के जो 3 सीजन देखे उसके अंदर आपको देखने को मिला होगा थोड़ी बहुत वहां पर एक आइडियोलॉजी की लड़ाई देखने को मिली थी, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा और ज्यादा खुल के सामने आया है कि भाई यहां पर जिनके पास पावर है, जैसे होमलैंडर हो गए या उनकी टीम हो गई, तो वो कैसे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हो गया या देश के हित के नाम पर हो गया, तो यहां पर लोगों को कैसे बांटा जा रहा है। फिर एक तरफ ऐसे लोग जो आते जो आम इंसान है, जो चाहते हैं कि भाई जो लोग हैं वो सही से जी पाए, आजादी से जी पाए, उनके ऊपर कोई भी ऐसा डर ना रहे, जैसे ये जो सूप है यानी कि जो सुपर हीरो, ये हीरो कहो या जो भी कहो विलेन कहो, तो ये जो लोग हैं वो पावर से किसी को मार ना दे, तो एक ये इनकी लड़ाई देखने को मिल रही है, यानी एक आइडियोलॉजी की भी हमें यहाँ पर एक लड़ाई देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये है कि जो बाकी बचे जो 4 एपिसोड है इसमें ये विचारधारा को कैसे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और एक जो फ्रेंची नाम का करेक्टर, वो इस बार यार बहुत इरिटेट कर रहा है। अब आप बोलोगे कि यार उसने जो चीजें दिखाई गई है वो LGBTQ कम्युनिटी के आप विरोध हो, यार मैं विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके के आपको इसमें देखने को मिलेगा फ्रेंची और उसका जो मेल पार्टनर है, ऑब्वियसली गे, इनके अंदर दिखाया गे कहूं फ्रेंची को या फिर बाइसेक्सुअल कहूं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, बस इनके अंदर बस हवस ही दिखाई जा रही है कि हाँ जैसे मिल लिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, शारीरिक इनको बस संतुष्टि चाहिए, वो एक चीज दिखाना यार वो कहां तक जायज है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखो यार अभी तक कहानी कहीं पर भी सही से नहीं जा रही है, चाहे भले 4th एपिसोड को अगर मैं इंक्लूड भी कर लूं तो इतनी ज्यादा कोई कहानी अच्छी नहीं गई है। बूचर का इस बार थोड़ा कम रोल रखा गया, जहां पर उम्मीदें थी कि यार बूचर काफी ज्यादा उभर कर हमारे सामने आएगा। फिलहाल इसके 4 ही एपिसोड बीते हैं, मे बी आने वाले 4 एपिसोड में ये सीरीज कुछ अच्छा कर जाए, आई होप सो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार ये सीरीज एक अच्छी जाए, जो मतलब एक यादें थी इसके साथ। खैर हिंदी डबिंग की बात करें तो यार बहुत अच्छी हिंदी डबिंग है, वही मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि आपको लगे कि यार ये बेतुकी है, नहीं, बहुत अच्छी चीजें रखी गई हैं, मतलब हिंदी डबिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी बच्चों के लिए तो बेशक ये चीज नहीं है, मतलब बच्चे इससे दूर ही रहें, अब मेरे कहने से तो कौन सा दूर रहेंगे, वैसे फर्ज बनता था कह दिया। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है या फिर इसके अभी तक 4 एपिसोड देखे हैं, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी, और आने वाले एपिसोड के बारे
में आप क्या सोचते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी है, अगर आप 18 प्लस हैं, आपको वॉयलेंस से कोई मतलब परहेज नहीं है, आपको गाली गलौज से परहेज नहीं है, न्यूडिटी से परहेज नहीं है, तो बेशक आप इस सीरीज को देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।